आइए, आपका स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने जाऊंगी कि इसमें जाली कैसे डालते हैं। सीधे तरफ से जाली किस तरह से डालना है, उल्टी तरफ से जाली किस तरह से डालना है। ये जाली डालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चल के आपको बहुत सारे डिज़ाइन जैसे बनाएंगे स्वेटर में या कैप के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो आपको ये जाली डालना सीखना जरूर पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वो आपको ये बताने जा रही हूँ कि जाली किस तरह से डालना है। तो देखिए, ये सीधे तरफ है और इस साइड उल्टा। तो सीधे तरफ से जाली किस तरह से डालेंगे बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए, धागा आगे करेंगे इस तरह से अपनी तरफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ करने के बाद। तो यहाँ हमारी एक जाली बढ़ गई, जाली यहाँ पड़ गई और एक फंदा भी बढ़ गया हमारा। फिर एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे इस तरह से और ये फंदा इसे सीधा बना लेंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ भी जाएगा और जाली भी पड़ जाएगी, देखिए इस तरह से। और दूसरा एक तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर धागा आप आगे ला के नहीं बुनना चाहती हैं तो इस तरह से भी कर सकती है। धागा पीछे ही रखें, सिर्फ इस तरह से गोलाई करके सिलाई पे इस तरह से धागा घुमा लें। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर से देखिए, देखिए यहाँ बढ़ गया एक फंदा। फिर इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से गोलाई में इस तरह से धागा घुमाएंगे सिलाई पे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरह से भी हम ये जाली डाल सकते हैं। या तो फिर इस तरह से भी बताती हूँ, आगे करना है धागा और ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे। फिर एक फंदा नॉर्मली बना लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी एक एक फंदे बीच में बढ़ते जा रहे हैं और साथ में जाली भी पड़ती जा रही है। फिर एक बार राउंड वाला मैं बता देती हूँ। पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई पे धागा घुमाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए, सिलाई पे इस तरह से धागा घुमाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर सिलाई पे धागा घुमाएंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बना लेंगे और लास्ट का फंदा नॉर्मली सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट होती है। जब ये जाली डालेंगे आप, तो उसके बाद जब आप रॉन्ग साइड आए यानी उल्टे साइड, उल्टे साइड सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। तो देखिए, पहला फंदा उतारें या तो बुन लें, उतार भी सकती हैं। उतारते हम इसलिए हैं ताकि किनारे का जो शेप है वो अच्छे से आए, चेन जैसा, इसलिए हम किनारे फंदे उतारते हैं। नहीं तो आप बुन लें, मैं यहाँ बुन लेती हूँ। अब देखिए, सारे फंदे को एक एक करके हम बुनेंगे, सभी को उल्टा बुनना है। या देखिए, जाली वाला जो फंदा है इसे भी हम बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा है, इसे नीचे की तरफ से इस तरह से सिलाई डालेंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। फिर ये फंदा है, इसे भी हम बना लेंगे। फिर देखिए, नीचे का जो फंदा है इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। फिर ये फंदा आया, इसे उल्टा बनाया। फिर नीचे का फंदा है, इसे भी हम उल्टा बनाएंगे। ऊपर का फंदा, इसे भी उल्टा। इसी तरह से करते हुए हमें सारे फंदों को बुनाई कर लेनी है। देखिए, ये वाला फंदा है, इसे उल्टा बुनेंगे। जो हमने जाली डाली थी वो ये फंदा है, थोड़ा सा लंबा सा दिखेगा। और देखिए, इसका गैप भी कितना बड़ा है, इसे भी हमें इस तरह से बुन लेना है। फिर अगला फंदा बुनेंगे। इसी तरह से करते हुए सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये फंदा अब नीचे की तरफ इस साइड से है, तो इधर से हम बना लेंगे सिलाई डालते हुए। इसी तरह करते हुए हमारी ये उल्टी लाइन भी कंप्लीट हो गई। देखिए, आगे तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ जाली पड़ गई, दिख रही है आपको। अब इस तरह से अपने जाली डालने सीख ली। अब हम ये लाइन पूरी सीधी बना लेंगे। अब हम उल्टे तरफ से बताएंगे कि आप उल्टे तरफ से कैसे जाली डाल सकती हैं। देखिए, इसी तरह करते हुए हम सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे।
वो मैंने आपको सीधी तरफ से बताया है कि जाली किस तरह से डलती है। अब हम आपको उल्टी तरफ से बताएंगे कि उल्टी तरफ से आप जाली कैसे डालेंगे। तो देखिए फिर मैं दिखा देती हूँ, दिख रहा है कितना खूबसूरत सा जाली बन के आया है ये। तो आपको जाली बनानी सीधी तरफ से आ गई, अब हम उल्टी तरफ से जाली बनाना सीखेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारें या तो बुन लें, मैं बुन लेती हूँ। अब देखिए अगर उल्टी तरफ से हमें जाली डालना है तो किस तरह से करेंगे हम, इस तरह से धागा लेंगे और गोलाई में आगे की तरफ से घुमा लेंगे। देखिए फिर से मैं दिखाती हूँ आपको, जो धागा अपनी तरफ है इस सिलाई पे इस तरह से घुमाएंगे, देखिए, और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर धागा इस तरह से घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए फिर से हम इस तरह से धागा घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से जाली डालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे, इस तरह से धागा घुमाएंगे और एक फंदा यहाँ बुन लेंगे, फिर जाली डालेंगे, देखिए, और एक फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए देखिए हमारी जाली पड़ने लगी है। मैं पूरी रो आपको बता देती हूँ, इसी तरह से आप जाली डालेंगे। जब उल्टी तरफ से आपका जाली डालना है तो इस तरह से डालना है। मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें ये जाली डाल के ही बहुत खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनेगा। तो ये जाली ध्यान रखें आप कि किस तरह से ये जाली पड़ रही है, ताकि आपको उस वीडियो में काम आए। तो ध्यान से देखते रहिए, सीधा उल्टे तरफ से दोनों तरफ से वो जाली पड़ेगी मैं जो डिज़ाइन लाऊंगी। तो इसी तरह से करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धागा घुमाना है, इसलिए मैं बीच बीच में बता दे रही हूँ आपको, कि जिन्हें एकदम भी नहीं आता जाली डालना सीधे तरफ से या उल्टे तरफ से, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो मैं बनाई हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दें। इसी तरह से करते हुए हम पूरी रो कम्प्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा नॉर्मली हम सीधा बना उल्टा बना लेंगे, सॉरी। अब इस साइड से जितने भी फंदे होंगे सभी को हम सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए जो भी फंदे आएंगे सभी को सीधा बनाना है हमें। देखिए ये हमारे जाली वाले फंदे हैं, तो इसे भी हम सीधा ही बनाएंगे। इसी तरह से देखिए सारे फंदे को हमने सीधा सीधा बना लेना है। तो देखिए ये हमारी जाली पड़ गई। उल्टी तरफ से मैं दिखा देती हूँ, फिर इस तरह से जाली पड़ी है। तो चलिए ये बनाइए और सीखिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।